बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। लग्जरी कारों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है और 15 से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें उसने अपना निशाना बनाया है। 15 बाइक सवार थे, ये पूरा गैंग था जिसमें दो बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। शहर की पॉश कॉलोनियों में जाकर उन्होंने उत्पात मचाया है। सुरेश नगर, कबीर कॉलोनी, गल्ला कोठार में इन्होंने ये आतंक मचाया है जहां की लग्जरी कार्स को उन्होंने निशाना बनाया है। सीसीटीवी में बदमाशों की करतूत जो है वो कैद हो गई है। पीड़ित लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। थाटीपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। इन लोगों की खोजबीन की जा रही है। तो आप समझिए कि कितनी बुरी तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जो गाड़ियां लग्जरी खड़ी हुई थी, बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। पॉश कॉलोनीज हैं जहां पर ये उत्पात मचाया बाइक सवारों ने। हालांकि इन बाइक सवारों की हरकत जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है, उसके आधार पर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग थे लग्जरी कार में, इन्होंने जो तोड़फोड़ किया उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी, क्या और भी किसी तरह की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। 15 से ज्यादा ऐसी लग्जरी कार थी जिनको इन्होंने तोड़फोड़ करके नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। और शहर की पॉश कॉलोनियां हैं जहां पर ये लोग पहुंचे बाइक पर सवार होकर और तमाम गाड़ियों में इन्होंने तोड़फोड़ की है। और अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया गया, इन बदमाशों की क्या नियत थी, क्या लग्जरी कारों के शीशों को तोड़ करके उसमें से किसी तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या और भी तरीके से इन कारों को नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि अमूमन देखने में ये आता है जो लग्जरी कार होती है उनके पार्ट्स चोरी किए जाते हैं, टायर चोरी किए जाते हैं, साइड व्यू जो मिरर होते हैं वो चुरा लिए जाते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अब पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से इन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस इसी के आधार पर आगे की जांच कर रही है। संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, पूरी खबर के बारे में बताएं, पुलिस को अब तक क्या अपडेट मिल पाया है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है थाटीपुर थाना क्षेत्र के सुरेश नगर की जो आसपास की लगी हुई लगभग चार कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों में देर रात जो युवक है मोटरसाइकिल से नशे में धुत दोनों युवक थे और इन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ किए। लगभग इन्होंने पूरी रात ये उत्पात मचाया। अलग अलग कॉलोनी से सीसीटीवी भी फुटेज सामने आए और पुलिस तक भी पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात दोनों जो आरोपी इनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। वहीं हमारी जब ग्वालियर एसएसपी से इस बारे में चर्चा हुई है तो उनका कहना है कि बदमाशों को आज शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी पहचान हो चुकी है और वो इलाके के आदतन अपराधी है इसमें की है। तो इस तरह की इन्होंने वारदात की है जिसमें लगभग 2 से 3 दर्जन गाड़ियां को क्षतिग्रस्त किया है, तोड़फोड़ की है गाड़ी में। हालांकि चुराने की कोई वारदात अभी, चोरी की कोई वारदात सामने नहीं आई है, लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की वारदात जरूर सामने आई है। यहाँ पे पूजा मैं आपको एक बात और बता दूं, आपसे लगभग 2 साल पहले भी इस तरह की वारदात इसी कॉलोनी में हुई थी जहाँ एक गाड़ी में आग लगा दी गई थी युवकों द्वारा। तो वो युवक भी जब पुलिस की गिरफ्त में आए थे तो वो नशे के शिकार थे, उनको आदत थी शहर में इस तरह से रात में निकलते थे और जो उनको गाड़ियां देखने को मिलती थी उस गाड़ियों में तोड़फोड़ करते थे और अगजनी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस का दावा है इन आरोपियों को आज शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पहचान हो चुकी है जी। लेकिन अमूमन देखने में आता संतोष कि जो ये नशा करने वाले लोग होते हैं ये चोरी भी करते हैं, छोटी छोटी चीजों को चुरा लेते हैं, लेकिन क्या इनकी मंशा सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ करना रही थी या और भी किसी वारदात को अंजाम दे सकते थे और इनके साथ और कितने लोग थे? देखिए लगभग इस मामले में भी 4 से 5 लोगों ने थाना थाटीपुर में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई है। अभी अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि ये जो युवक है उनके द्वारा की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है या किसी अज्ञात के द्वारा। जो लोगों के घर सीसीटीवी फुटेज थे वो फुटेज लेकर पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने फुटेज दिखाए कि बाइक सवार जो दो युवक है उन्होंने हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। तो लगता है कि शाम होते होते इस मामले में कई और फरियादी बनेंगे और कई तरह की और FIR इसमें और आगे दर्ज की जाएगी। फिलहाल इसमें अभी तक 4 से 5 FIR दर्ज हो चुकी है और ये शाम तक लगता है जब खबर फ्लैश होगी और जिस तरह से सीसीटीवी अब वायरल हो रहे हैं तो जिनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा वो भी थाने पहुंचेंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे। जहां तक चोरी की बात है तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। आसपास की जो 3 से 4 कॉलोनियां उन कॉलोनियों में इन बदमाशों ने उत्पात मचाया है,
तो संभावना ये भी जताई जा रही है किसी ना किसी गाड़ी से या तो उसका साउंड सिस्टम चुराया होगा या कुछ अन्य चीजें अभी और चुराई होंगी। फिलहाल ये पूरी चीजें अब पुलिस के पास है, पुलिस मामले में संज्ञान ले लिया और क्राइम ब्रांच की एक टीम अब बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम जानकारी के लिए।